चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो, ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। लेकिन काका मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है, इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं, मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुँचती है। हे भगवान ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है, अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए। मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा। पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है। पीलू बेटी तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो, अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो, कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी। मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया, इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर एक हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है। वाह बेटी तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। बंसीपुर गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था, वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है, तुम देखना इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे, हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी, वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम शाम में आके खाना बना देना, इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है, वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है, वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है,
लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं, अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है, लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उसे पूछती है, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है, इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था, इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वही दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। भागलपुर गांव में पति पत्नी पीलू और बबलू किसानी करते थे। वो लोग बहुत ईमानदार थे और कम आमदनी में भी गुजर बसर कर रहे थे। बबलू खेत में पुराने कुएं से पानी निकालता था और पूरे खेत में सिंचाई करता था, लेकिन खेत में मेहनत करने के बाद भी उनके खेत में फसल नहीं होती थी। वो लोग बहुत तरह की फसल उगाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक भी फसल नहीं उगती है। सुनिए जी, खेत में कोई भी फसल नहीं उगती है, हमारे पर बहुत कर्ज है, लोग पैसे मांगने आते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं पर मजदूरी करने लगती हूँ, क्या किसी के घर में काम करने लगती हूँ, कम से कम घर में खाना खाने लायक पैसा तो आएगा। इस खेत में कितनी ही काम करो बेकार है। अरे नहीं पीलू, मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने ये खेत मुझे दिए है। मैं इस खेत में अगर किसानी बंद कर दूंगा तो अपने पूर्वजों को क्या मुँह दिखाऊं।
दूंगा। और वैसे भी मैं एक किसान हूँ, ऐसे मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? देखो, तुम्हारा कहना सही है कि घर के लिए कमाई होनी चाहिए, तो तुम कहीं पर काम कर लो। मैं इस खेत में फसल बोता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए माँ जैसी है। अगर इसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया तो यहाँ लोग शराब पीने लगेंगे और यहाँ गंदगी फैलाई जाएगी। ठीक है जी। फिर पीलू लोगों के घर काम करने लगी और बंटी खेती जारी रखता है। और बहुत दिनों तक वो ऐसे ही धूप में मेहनत करता था। एक दिन उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो पीलू उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब, देखिए इन्हें क्या हुआ है। सुनो बबलू भाई, आप अब बहुत कमजोर हो गए हो धूप में काम कर करके। कुछ महीने आराम करो। लेकिन अभी तो बीज बोने हैं, मैं आराम नहीं कर सकता। बबलू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, मैं निकालूंगी। पीलू कुएं से पानी निकालने लगी है, तभी उसमें से एक बाल्टी भर रुपये निकल आते हैं। ये देख कर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे? तभी उसके खेत से एक देवी प्रकट होती है। बेटा बबलू, बेटी पीलू, मैं धरती माँ हूँ, तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बबलू, आज के इस लालच के जमाने में तुमने गरीबी झेली, लेकिन अपना खेत नहीं बेचा। इतने सालों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम्हारी फसल नहीं उगने दे रही थी, लेकिन तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे इस कुएं से पैसे निकलेंगे और तुम और जमीन खरीद कर लोगों के लिए अनाज उगाओ, उनका पेट भरो। मेरा आशीर्वाद है तुम पे। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है और उनके वरदान के कारण दोनों पति पत्नी का जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा, बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल पिज्जा, बर्गर, ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे, बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन्स होते हैं कहकर बेच देना, काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे। इससे उनका भी फायदा होगा, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उससे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इंपोर्टेड फल लाकर देता है, जिसे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम पिज्जा बर्गर्स बेचने लगती है
उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल के बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन, तुमने सही कहा। आजकल मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेल कर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है। जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी अभी हमने पहले ही गेम खेलना है, पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है, पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों, चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है, बच्चों इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो, अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे। जी से मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है। और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू, पापा मैं गेम जीत गया हूँ ना तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो। अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है, इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना। हाँ चाचा, मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको। बेटा यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो, इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा, और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा अब कैसे बन गए सोल्जर। यश, क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया, और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे, गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा, फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं, अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा, और देखना एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं।
एक शहर में भल्लू भालू रहता था। वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो बहुत समझदार था और अच्छे और बुरे की पहचान रखता था। भल्लू ताकतवर था, इसी वजह से सिंगू गेंडा उसके साथ दोस्ती करने को देखता था। भल्लू कैसे हो? तुम तो मेरे साथ घूमते ही नहीं हो और उस पिद्दी तोते से दोस्ती करके रखे हो। तुम्हें तो अपने जैसे ताकतवर लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। तोता बहुत अच्छे मन का है, वो मेरा बचपन से दोस्त है। बचपन की बात अलग होती है, कमजोर लोगों के साथ रहने से बदनामी होती है। मेरे साथ घूमो, हमसे ज्यादा ताकतवर इस पूरे इलाके में कोई नहीं है, हमारा दम रहेगा। वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो। और इस तरह से भल्लू सिंगू की चाल में फंस जाता है। अब हर दिन उसी से मिलता था और उसकी ताकत के घमंड में वो भी घमंडी हो जाता है। अब भल्लू तोता से नहीं मिलता था और पूरे इलाके में सिंगू के साथ ताकत के घमंड दिखाते हुए घूमता रहता था। एक दिन तोता उसके पास आकर कहता है, भल्लू सिंगू की संगत छोड़ दो, तुम गंदे बनते जा रहे हो। तोता तुम छोटे हो, तुम ताकत का प्रभाव नहीं समझोगे। तुम्हारी मर्जी। भल्लू पास में ही मगरू रहता है, उसको मछलियों की दुकान है। वो मुझसे मछलियों का पैसा मांग रहा है। चलो हम चलकर उसको सबक सिखाते हैं, उसकी पूरी मछलियाँ चुरा लेते हैं। तुम्हें उसने परेशान किया, अब तो हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। भल्लू और सिंगू मगरू के घर जाते हैं। मगरू उस समय नहीं था। भल्लू तुम मछलियाँ चुराओ, मैं बाहर नजर रखता हूँ, कोई आएगा तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। और भल्लू मछलियाँ चुराने में लग जाता है। तभी वहाँ पर मगरू आ जाता है। मगरू को देखकर सिंगू वहाँ से भाग जाता है। मगरू भल्लू को चोरी करता देखकर गुस्से में आ जाता है और वो मछली पकड़ने का जाल फेंक कर भल्लू को पकड़ लेता है। सिंगू बचाओ, कहाँ हो? तुम्हारा दोस्त सिंगू भाग गया है। भल्लू की बहुत पिटाई हो जाती है। तोता को जब पता चलता है तो वो वहाँ आ जाता है और भल्लू को मगरू से माफी मांगने के लिए कहता है। मुझे माफ कर दो मगरू भाई, मैं ताकत और बुरी संगत में बहक गया था। अगर तोता तुम्हारे लिए नहीं आता भल्लू, तो तुम जेल में होते। मुझे माफ कर दो तोता भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, मुझे बुरी संगत में रहने का नुकसान भुगतना पड़ा। बुरे लोग तो सिर्फ मुसीबत में ही फंसा सकते हैं। भल्लू अब से किसी बुरी संगत में नहीं रहता था। वो अब अपने ताकतवर होने का घमंड भी नहीं करता था और ये बात समझ गया था कि दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए, बुरे लोग मुसीबत होते हैं। मगरू और रिंकू एक शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। मगरू को अपनी स्विमिंग की काबिलियत में बहुत घमंड था और रिंकू खरगोश को अपने भागने की काबिलियत पर। उनकी दुश्मनी का फायदा उठाने की फिराक में बहुत से जानवर रहते थे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, लेकिन तोता ऐसा था जो उन दोनों का दोस्त था। मगरू, मेरे ख्याल से तुम्हें और रिंकू को दोस्ती कर लेनी चाहिए, आखिर तुम दोनों बेवजह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो। तो मगरू कहता है, ये बात तुम रिंकू को समझाओ तोता, वो बहुत घमंडी है और मेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है कि मुझसे बहुत बदबू आती है और ना जाने क्या क्या। मैं रिंकू से बात करूंगा, लेकिन ये जान लो कि तुम दोनों को बाकी जानवर भड़काते हैं। फिर तोता रिंकू के पास जाता है। रिंकू, तुम और मगरू मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ दूसरों की बातों में मत आया करो और दोस्ती कर लो। मगरू मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए तरकीब लगाता रहता है, मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। दोनों तोता की बात नहीं मानते हैं। तोता दुखी हो जाता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उसे मिलने के लिए मगरू और रिंकू आते हैं। मगरू, रिंकू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है, लेकिन
लेकिन वो नदी के पार मैदान के अंदर मिलेगी। अगर मुझे वो दवाई नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मगरू और रिंकू दोनों दुखी हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नदी पार करूंगा दोस्त, मैं स्विमिंग में बहुत माहिर हूँ। तो रिंकू कहता है, मैं तुम्हारे लिए जमीन के अंदर से जड़ी बूटी की दवाई निकाल लूंगा, मुझे गाजर निकालने की आदत है। और दोनों दवाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही रिंकू नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि नदी का पुल टूटा हुआ है। अरे अब मैं कैसे नदी पार करूंगा? वहीं मगरू तुरंत नदी में डाइव मारकर नदी पार करने लगता है। तुम किसी काम के नहीं हो रिंकू। रिंकू बहुत मुश्किल से पुल की लकड़ी के सहारे डूबते डूबते बचता है और नदी पार करता है। नदी पार करने के बाद मगरू मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन मिट्टी उसकी आंख में नाक में घुस जाती है और उसके नुकीले पंजों से जड़ी बूटी को भी नुकसान होने लगता है। तुम्हारी मूर्खता के कारण जड़ी बूटी खराब हो रही है मगरू। फिर रिंकू अपने हाथों से बहुत सावधानी के साथ मिट्टी खोदकर जड़ी बूटी निकाल लेता है। दोनों फिर नदी के पास वापस जाने के लिए पहुंचते हैं। तुम नदी में डूब जाओगे, मुझे जड़ी बूटी दे दो। तुम्हारे तैरने से जड़ी बूटी भीग जाएंगे, जड़ी बूटी तुम्हें नहीं दे सकता। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर, देखो मैं तुम्हारे बिना नदी पार नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारे बिना जड़ी बूटी को बिना खराब किए वापस नहीं लेकर जा सकता। फिर मगरू की पीठ पर रिंकू सवार होकर नदी पार कर लेता है और जड़ी बूटी सुरक्षित तोता के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों ने क्या मिलजुल कर ये काम किया है? हाँ हाँ, तुम्हारी दोस्ती के लिए हम दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी। हमारी दुश्मनी से बढ़कर तुम्हारी तबीयत बड़ी है तोता। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, मैं तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों मेरी दोस्ती निभाते हो कि अपनी अपनी दुश्मनी, और तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम भी दोस्त बनकर रह सकते हो। और फिर मगरू और रिंकू समझदारी दिखाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और अब उन्हें कोई भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का नहीं सकता था। कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर किसी को अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए। एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना। ध्यान से कर देना ये सारे काम, रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना दीनी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो, मैं सारे काम कर लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी, जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू, जाकर पहले तो सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से, उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी, चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू, अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख, फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे। चल 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 चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती तो मोना हथनी को भी घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है।
क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई? ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है। मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बेटा ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी चूहा देखो यहाँ से भागा है। हम अगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू मैं कुछ करती हूँ। मोना अपनी चूहा पकड़ने के लिए चूहा दानी लाती है और स्प्रे भी लाती है जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, ऐसे कैसे? मम्मी ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था। इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है।